नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेनी सीजन यानी कि मॉनसून अपने नॉर्थ इंडिया में तो आ चुका है, लेकिन फिर भी जब भी बारिश का मौसम हो कहीं पे भी, तो कार के प्रोटेक्शन कैसे करें, कार की केयर कैसे करें ताकि उसकी भी उम्र और बढ़ जाए और हमारी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, जिन कामों में थोड़े से एफर्ट्स ज़रूर हमें करने पड़ते हैं। तो हम जाने अनजाने कुछ ऐसे ही चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारी गाड़ी के लिए और हमारी सेहत के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड समर्पित है रेनी सीजन के अंदर गाड़ी की कैसे केयर करें उसके बारे में। उससे आपको एक्सीडेंट से भी खतरा जो है वो भी टल जाएगा और आपकी कार की केयर भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर की प्रोटेक्शन से। सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। एक्सटीरियर में क्या आता है? एक्सटीरियर में सबसे पहले आता है पेंट क्वालिटी, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, जब भी हम बारिश के मौसम में बाहर से ड्राइव करके गाड़ी को घर पे लाएं या कहीं भी पार्क करें जब भी, तो जितना हो कोशिश करें कि जो उसके ऊपर डस्ट जमी हुई है या कीचड़ कुछ लग जाता है या कोई डर्ट पार्टिकल या बारीक बारीक महीन महीन से बजरी के कण कुछ लग जाते हैं उसके ऊपर, पत्थर कण लग जाते हैं, उनको साथ के साथ हटाएं। कारण क्या है कि जब वो अभी तो गीला है तो गीला जल्दी एक तो उतर भी जाएगा, एक ज़रा सा पानी की एक बाल्टी लेके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वो तब भी निकल जाएगा वो। लेकिन अगर वो वहाँ पे पड़ा पड़ा सूख गया, उसके बाद अगर आप उसको वाइप करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रैचेस छोड़ जाएगा पीछे। तो इस चीज़ से बचने के लिए, पेंट क्वालिटी को बचाने के लिए, आप सबसे पहले काम यही कीजिए कि जब भी कार ड्राइव करके आप गाड़ी को पार्क करें तो साथ ही साथ गाड़ी का जो आउटर शेल है यानी कि बाहर का जो पेंट एरिया है उसको अच्छे तरीके से पानी से धो दें, नंबर वन। नंबर टू, दोस्तों पेंट क्वालिटी को भी हमने बरकरार रखने के लिए कोशिश करें सेरेमिक कोटिंग हम करवा लें। अगर सेरेमिक कोटिंग नहीं करवा सकते तो उसका भी और आसान उपाय है, वैक्स या पॉलिश कर लीजिए गाड़ी को। जब भी गाड़ी धोएं, थोड़ी सूख जाए गाड़ी, उसके बाद गाड़ी के ऊपर वैक्स या पॉलिश कुछ भी अप्लाई कर दें, जिससे कि उसके ऊपर डस्ट टिके नहीं, पानी टिके नहीं, ताकि हमारे पेंट की क्वालिटी भी बरकरार रहे और सालों साल चले। तीसरी बात दोस्तों ये है कि कार कवर का कभी भी भूल कर भी बारिश के मौसम के अंदर इस्तेमाल ना करें। उसका कारण ये है दोस्तों कि चलिए आप धूल मिट्टी से तो उसको बचा लेंगे, लेकिन बारिश के साथ साथ थोड़े बहुत मिट्टी के कण उसके अंदर ज़रूर घुस जाएंगे। जब गाड़ी सूख जाएगी या जब वो कवर सूख जाएगा, अंदर से गाड़ी भी सूख गई, जब आप उसको हटाओगे कवर को तो साथ के साथ ही उसमें एक तो स्क्रैचेस पड़ेंगे, हो सकता है कि आपके कोई सेरेमिक कोटिंग वगैरह कुछ की हो तो वो भी साथ में पील ऑफ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम कार कवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब रेनी सीजन हो तो। चौथी बात दोस्तों ये है कि जो बोनेट का नीचे का एरिया यानी कि जैसे विंडशील्ड खत्म हुई उसके साथ में जहाँ से बोनेट शुरू होता है वो वाला जो एरिया है, और जो पूरा जहाँ पे बोनेट जाके टिकता है, जहाँ पे रुकता है जाके बोनेट, वो वाली जगह को भी बोनेट खोलें और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कारण क्या है कि जब भी मिट्टी धूल वहाँ पर चिपकी हमेशा रहेगी, जब बारिश होती है तो वहाँ पर आके एक गाद की तरह वो चिपक जाती है, और बाद में हमारी जो पेंट क्वालिटी है या बोनेट के अंदर का हिस्सा है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए साथ के साथ उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक पोर्शन और होता है हमारी गाड़ी में, वो है पिछला बोनेट के साथ बूट के नीचे की जो लिड होती है, बम्पर और बूट के बीच का जो स्पेस होता है वो, और जो पिछला रियर जो अपना स्पेस है, बूट ओपनर जो स्पेस है, यानी कि जैसे यहाँ से आपने बूट उठाया तो जो हैचबैक गाड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है कि ये पूरा शेल जो पीछे का शेल होता है, पूरा डिग्गी आप ओपन करोगे तो पीछे नजर आएगा सारा शेल, उसको अच्छी तरह से साफ करें, वहाँ पे भी बहुत डस्ट जम जाती है। तो उसको क्लियर करके, क्लीन करके रखें उसको भी, ताकि जब भी बारिश का मौसम हो तो आराम से पानी वहाँ से निकल जाए, ड्रेनेज के ब्लॉकेज ना हो। विंडशील्ड के सामने और बोनेट के बीच में जो प्लास्टिक का गैप होता है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रेनेज बनी होती हैं, जब भी उसको हम क्लियर नहीं करेंगे तो समय रहते उसके साथ ही वो ड्रेनेज भी ब्लॉक हो जाती है और पानी वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो हमारी गाड़ी की लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और नंबर पाँचवा है अंडर बॉडी प्रोटेक्शन। कोशिश करें दोस्तों अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए किसी जगह ऊँची जगह पर खड़ी करके गाड़ी, तो
डीजल और यूज्ड किया हुआ इंजन ऑयल ये दोनों इकट्ठा मिक्स करके इसको उसका स्प्रे कर दें। जो मूविंग पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अंडर बॉडी होते हैं और अनकवर्ड होते हैं, वो तो उनको सब के ऊपर ही हमने करना है। बट ध्यान रखना है इंजन, एग्जॉस्ट पाइप और टायर के अंदर ब्रेक के ऊपर या डिस्क जो ब्रेक की होती है उसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ब्रेक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो स्लिपरी हो जाएगी, ब्रेक एप्लीकेशन कम होगी, ब्रेक कम लगेगी। एग्जॉस्ट के ऊपर लगा के या इंजन के ऊपर लगा के हमें स्पार्किंग का खतरा रहता है, कहीं आग लगने का खतरा रहता है। कोशिश करें नीचे का जो बॉडी शेल है उसके ऊपर ही उसको अप्लाई करें, ताकि उसकी चिकनाहट से नीचे डस्ट पार्टिकल्स और मिट्टी जमेगी नहीं, और साथ में पानी भी दूर रहेगा उससे, जल्दी पानी निकल जाएगा वहाँ से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंटीरियर की, इंटीरियर का प्रोटेक्शन कैसे करनी है। सबसे पहली बात दोस्तों, सफाई हमेशा ज़रूरी है। अपने बोनट, डैशबोर्ड, सीट्स या सेंट्रल कंसोल पैनल होता है वो सारी जगह अच्छी तरह से सफाई रखें, तो क्योंकि रेनी सीजन के अंदर जो भी डर्ट पार्टिकल वहाँ पे जमे होंगे वो मॉइस्चर के साथ और स्मेल पैदा कर देंगे, एक तो ये चीज़। दूसरा दोस्तों, हम जब भी गाड़ी के अंदर एंटर करें तो कोशिश ये करें पुराना अखबार जरूर रखें गाड़ी के अंदर, उसके दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी हमने गाड़ी के अंदर बैठना है तो फ्लोर मैट के ऊपर उसको बिछा देना है, हमारे गीले जूते या गीले पैर या गीले फुटवियर कुछ भी हैं हमने पहने हुए, वो जब कागज़ के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर लगेंगे तो वो न्यूज़पेपर जल्दी सोक कर लेगा पानी को, तो इससे हमारा ना तो कारपेट गंदा होगा और साथ के साथ हमारे ज़्यादा डस्ट भी अंदर गाड़ी में नहीं आएगी। अगली बार जब हम जाएं तो तब भी ऐसा ही करें, रिपीट करते रहें चीज़ों को, तो अच्छे खासे अखबार पुराने लेके रखें गाड़ी के अंदर। और दूसरी बात दोस्तों, अखबार का ये फ़ायदा होगा कि जो अखबार आपकी पड़ी है वो पड़ी अखबार भी बहुत सारे फ़ायदे देगी आपको। गाड़ी जब बंद है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत हो जाता है, तो जो न्यूज़पेपर की जो पेपर क्वालिटी होती है वो बहुत जल्दी कैप्चर करती है मॉइस्चर को, तो ये जो आपका मॉइस्चर जो अंदर का वो काफ़ी हद तक उसको सोख लेगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। जब ज़्यादा बारिश जिन दिनों में हो तो एक बड़ा टॉवल अपने पास रखें हमेशा से, वो जब भी हम गीले होकर गाड़ी के अंदर आते हैं तो जो गाड़ी का जो सीट्स हैं उसको रोज़ धुलाई इम्पॉसिबल है उसकी, लेकिन वो गीली जरूर रहती है, तो एक बड़ा टॉवल हो जो उसके हेडरेस्ट से लेके नीचे बैक तक और हमारे अंडर थाई सपोर्ट तक सारी जगह तक फैल जाए वो, जब हम गाड़ी के अंदर बैठें तो वो हमारे पीछे पड़ा हो, ताकि जब भी हम गाड़ी में बैठें तो वो गीला हो, ना कि हमारी सीट गीली हो। एसी की सर्विस दोस्तों टाइम से करवा लें। उसका कारण क्या है कि बरसात का मौसम कुछ ऐसा होता है कि बाहर जैसे गर्मी है तो चलो हमें विंडो स्क्रॉल डाउन कर दी हमने तो बाहर से हवा आ जा रही है, लेकिन जो मौसम होता है बारिश का उसके अंदर बाहर से जो भी नमी है वो अंदर नहीं आ पाती और अंदर उमस हो जाती है, तो एसी चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों एसी का फ़िल्टर और एसी का रेडिएटर ग्रिल वो अच्छे तरीके से साफ़ करवा लें, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। चाहे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, रेडिएटर ग्रिल आराम से साफ़ आप खुद पे घर भी कर सकते हैं, तो एसी की सर्विस ज़रूर करवा के रखें। अगली बात है दोस्तों, फ्रंट का डिफॉगर कैसे यूज़ करें। दोस्तों कई गाड़ियों के अंदर फ्रंट में डिफॉगर नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करें, गाड़ी स्टार्ट करें, फुल स्विंग के ऊपर अपना फ़ैन चालू कर दें और गाड़ी की जो बाहर की हवा का इनटेक है उस मोड पर रख दें गाड़ी को, विंड स्क्रीन की तरफ मोड कर दें, जो अपना पंखे का फ्लो है वो विंड स्क्रीन की तरफ कर दें, उसमें एरो बनी होती है वो वहाँ पे चले जाएगा, और थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दें, तो धीरे धीरे करके आपका जो फॉग अंदर जम जाता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रिक आजमा के देखिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और आपके लिए बहुत सफल रहेगी। तो ये दोस्तों फ्रंट के डिफॉगर का काम है। रियर डिफॉगर कई गाड़ियों में होता है, कईयों में नहीं होता, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। मैं ये चीज़ दोस्तों आपको तब कह रहा हूँ कि कभी भी जब फॉग जम जाए तो कभी भी हमने कपड़ा या अखबार कुछ भी यूज़ नहीं करना फॉग को साफ़ करने के लिए। उसका कारण क्या है कि दोस्तों जब भी उसको हम साफ़ करेंगे तो उसके अंदर से स्प्लैश, हमें जो फ्रंट से कोई भी लाइट आ रही है वो स्प्लैश होकर हमारे सामने आएगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो जब भी फॉग जमे तो ये वाली ट्रिक आजमाएं। कार टायर्स के ऊपर आते हैं दोस्तों, अब ड्राइविंग की तरफ चलते हैं कि जब ड्राइव करें तब क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहली बात दोस्तों, कार के टायर्स का ध्यान रखना है हमें, ज़्यादा घिसे हुए टायर या जिनकी ट्रेड ख़त्म हो रखी है वो वाले टायर हम यूज़ नहीं करेंगे, या टायर्स के अंदर कुछ क्रैक्स आ जाते हैं उन जो टायर्स हैं उनसे भी बच के चलना है हमने। पहली बात दोस्तों, जब
मिट्टी पड़ी होती है, रेनी सीजन होता है, तो ग्रिप कम हो जाती है कार की एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स रोड के ऊपर। तो जब घिसे हुए टायर होंगे तो जब भी एकदम से हमें ब्रेक भी लगानी पड़ गई या थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो हमारी तो गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है। ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हमने जब भी देखना है गाड़ी के ट्रेड्स को देखना है, ज़्यादा घिसे हुए हैं तो फौरन बदल दीजिए, गाड़ी के टायर्स के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं तो फौरन बदल दीजिए। अब ये भी काम हमने नहीं करना कि पिछले अगले अगले टायर बदल दिए, पिछले नहीं बदले, चारों टायर ही बदलने हैं क्योंकि ग्रिप हमेशा चारों टायरों में बराबर होनी चाहिए। और एक और बात, स्पेयर व्हील का भी हमने ध्यान रखना है, उसको जो अच्छी कंडीशन में हो और उसके अंदर से हवा भरी हो। एंटी पंक्चर किट हमने साथ में लेके चलना है और एक टायर इन्फ्लेटर, टायर में हवा भरने वाला एक मैकेनिज्म, वो भी हमने साथ में लेके चलना है क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर कभी भी हमें बहुत कम चांस होते हैं कि पंचर वाला कहीं मिले और बहुत दूर होते हैं वो और हम कहीं फंस जाएं, तो इन चीज़ों के लिए पहले ही ध्यान रखें, इन चीज़ों को चलना है हमने। अब आते हैं दोस्तों, हमें ड्राइविंग कैसे करनी है। दोस्तों जब भी हमने ड्राइव करनी है बरसात के मौसम में तो सड़क होती है ऐसे मोस्ट कॉमनली, तो हमने गाड़ी कोशिश करनी है सड़क इस साइड से थोड़ा सेंटर में चलना है, हमने दूसरी साइड वाले को रास्ता देना है, जब हमने यहाँ जा रहे हैं तो इस साइड इस जगह पर रहना है हमने। उसका कारण क्या है कि इस स्पॉट के ऊपर पानी कम जमता है, सड़क मोस्टली ऐसे ढलान में बनी होती है तो यहाँ पर पानी कम जमता है, तो इस जगह के ऊपर हमने गाड़ी ड्राइव करनी है। हाँ, रास्ता ज़रूर देना है लेकिन वहाँ पर गाड़ी ड्राइव करके हम सेफ रहेंगे, वहाँ पर खड्डे भी हमें कम मिलेंगे और हमारी जो गाड़ी है उस वो भी कम पानी के अंदर से गुजरेगी। कोशिश करें जो आपकी गाड़ी की जो स्पीड आप नॉर्मल रखते हो उससे तकरीबन 30-40% स्पीड को कम करके चलें, क्योंकि एक तो रेनी सीज़न है और दूसरा फ्रंट में हमें आइडिया नहीं हो पाता कई बार कि कितनी दूरी पे अगली गाड़ी चल रही है और आगे कौन सा खड्डा है। कभी भी गाड़ी को तेज़ स्पीड के अंदर जहाँ से ज़्यादा पानी जमा हो वहाँ से कभी मत गुजारें, गाड़ी अनबैलेंस भी हो सकती है और किसी के लिए खतरा भी बन सकता है। दूसरी बात, जब भी गाड़ी को ऐसी जगह से निकाल लें तो कोशिश करें स्लो से स्लो स्पीड हो, कई बार खड्डा गहरा होता है और कीचड़ भरे पानी से, गंदे पानी से हमें आइडिया नहीं हो पाता कि गड्ढा कितना गहरा है, तो आराम से ध्यान से गाड़ी को चलाएं इस रेनी सीज़न के अंदर। अगली दोस्तों बात मैं करने लगा हूँ लाइट्स के बारे में। जो लाइट्स हैं दोस्तों अपनी गाड़ी की फ्रंट की हेडलाइट्स हैं उनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आफ्टर मार्केट LED या HID लैंप्स मत लगवाएं, सिंपल जो आपकी गाड़ी के अंदर बल्ब्स लगते हैं वही बल्ब थोड़े अपग्रेड करके लगा लें, नए बल्ब लगा लें उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फॉग लैंप्स कारगर होते हैं, फॉग लैंप भी फैंसी मत लगवाएं, जो कारगर है पीले कलर के वही लगाएं। और दूसरी बात दोस्तों, जो हेडलाइट्स हैं अपनी उनका कुछ केयर इस तरह से करनी है हमने, डस्ट तो वैसे ही साफ़ करनी है हमने, लेकिन वाइट टूथपेस्ट कोई भी हमने ले लेना है, उसके ऊपर अप्लाई करके गीला थोड़ा कपड़ा करके ऐसे घुमाना है, उसके ऊपर सर्कुलर शेप में ऐसे घुमाना है, थोड़ी देर में उसको वाइप ऑफ कर देना है तो आप देखेंगे थोड़ी सी उसकी चमक और बढ़ जाएगी, ताकि शाइन और बढ़ जाएगी, ताकि हम जब भी गाड़ी को ड्राइव करें तो लाइटिंग हमें प्रॉपर मिल पाए। दूसरी बात दोस्तों, जो अपना वाइपर है वाइपर के ब्लेड चेक कर लें, अगर कहीं पे कुछ क्रैक्स आ रखे हैं, कुछ आवाज़ कर रहे हैं या झटक झटक के चल रहे हैं तो उनको रिप्लेस फौरन कर दें, सस्ती आइटम है, रिप्लेस करेंगे तो बहुत फ़ायदा देगी हमें। दूसरी बात दोस्तों, वाइपर के लिए जो हमारा जो फ्लूड यूज़ होता है यानी कि पानी हम यूज़ करते हैं उसको टॉप अप करके रखें, और कोशिश करें थोड़ा सा कोई शैम्पू घर पर कोई भी पड़ा हो या कोई लिक्विड सोप उसके अंदर डाल दें, ताकि थोड़ी चिकनाहट से वो जो विंडस्क्रीन है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और जल्दी हमारी विंडस्क्रीन भी साफ़ हो जाएगी। तो ये चीज़ों का हमने दोस्तों ध्यान रखना है। अगर इन छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर इनका हम ध्यान रखेंगे, इनकी जब केयर करेंगे तो हमारी गाड़ी की भी हेल्थ बढ़ जाएगी और हमारी हेल्थ पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। अंदर मॉइस्चर होगा तो हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है कैसी लगी, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, इधर शेयर कीजिए सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, बेनिफिट हो सके, आपकी कार की लाइफ बढ़ जाए और आपकी सेहत पे बुरा ना असर पड़े और दूसरों के लिए भी हम खतरे का कारण ना बने। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।